हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी डूइंग वेल, होप यू मस्ट बी इन गुड हेल्थ। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के थ्योरिटिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा है थ्रू कंप्यूटर प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आज हम बिल्कुल थ्योरी की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ से न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके ट्रांजेक्शन्स को इसकी अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मैं आपको इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको एक दफ़े समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी आप इसमें गलती नहीं करोगे। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक क्विज की तरह लगेगा, एक खेल की तरह लगेगा। तो चलिए टाइम ना जायज़ करते हुए हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को करते हैं। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखी हैं अभी आपके लिए, हम एक एक ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन्स पढ़ने से पहले मैं बता दूं, हर ट्रांजेक्शन्स में आपको दो एस्पेक्ट मिलेंगे। एक एस्पेक्ट मिलेगा जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन्स हुई है, और दूसरा पार्ट मिलेगा, सेकेंड एस्पेक्ट होगा जहां गलती हुई है। पहली ट्रांजेक्शन्स जैसे है क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन। अब देखिए, जो भी हुआ है वो यहाँ तक ही क्लियर हो गया हमें, टू मोहन तक। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा यहीं पर क्लियर हो जाता है कि मोहन को हमने क्रेडिट सेल करी है ₹1700 की। अब इसके आगे पढ़िए, वाज पोस्टेड टू कृष्णा अकाउंट। अब हमारे अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, मोहन को डेटर्स की जगह कृष्णा को डेटर्स बना दिया हमारा। हमने क्रेडिट सेल करी है मोहन को, उसने बाय मिस्टेक कृष्ण नाम लिख दिया, तो इसको रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। अब इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए मैं एक बहुत आसान तरीका बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एंट्री एक्चुअल में होनी चाहिए, जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम जो इनकरेक्ट हो गया है, जो इनकरेक्ट एंट्री है, जो हमारे अकाउंटेंट से गलती हो गई है, उसको भी मेंशन करेंगे। पहले हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे, फिर इनकरेक्ट एंट्री लिखेंगे, और फिर हम रेक्टिफाइड एंट्री लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बता दूँ आपको, एग्ज़ाम में सिर्फ से रेक्टिफाइड एंट्री के ही मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा रफ वर्क हो सकता है, अगर आप इसको फेयर में भी लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको मार्क्स सिर्फ से रेक्टिफाइड के ही मिलेंगे। तो इसलिए मेन आपका फोकस रेक्टिफाइड एंट्रीज को लिखना है, ये अगर करेक्ट होगी तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन। पहले हम इसकी करेक्ट एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट क्रेडिट सेल मोहन को हुई है, तो मोहन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। मोहन अकाउंट डेबिट कितने रुपये से, ₹1700 से टू सेल्स अकाउंट। ये होनी चाहिए थी एक्चुअल में एंट्री। अब अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, गलती से मोहन की जगह कृष्णा को डेबिट कर दिया है। अब हमें लिखनी है क्यों, क्या इनकरेक्ट एंट्री हुई है। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹1700। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अब आपने यहाँ पे करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री को दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे ये देखना है कि कोई चीज़ हमारी कॉमन आ रही है, कोई ट्रांजैक्शन कॉमन आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे सेल्स अकाउंट दोनों में कॉमन है, कॉमन भी आपका क्रेडिट साइड में भी है, ये भी क्रेडिट साइड में है। तो इस सेल्स अकाउंट को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सेल्स में तो ठीक पोस्टिंग हुआ है, हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री जो है सिर्फ से मोहन अकाउंट और कृष्णा अकाउंट में बनेगी। अब ये एंट्री क्योंकि हो चुकी है, जो अकाउंटेंट ने एंट्री इसको कर दी है, पहले की एंट्रीज होती थी पेपर वर्क पे, अब ये एंट्रीज होती हैं कंप्यूटर पे, टैली प्रोग्रामिंग में या सैप के ऊपर या ओरेकल्स के ऊपर। तो एक दफ़े एंट्री हो जाने के बाद इसको अमेंड या डिलीट नहीं किया जा सकता, इसको सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारेंगे, इसके अगेंस्ट में एक रेक्टिफाइड एंट्री बना के। हमने ये देखा कि सेल्स अकाउंट दोनों करेक्ट है और इनकरेक्ट दोनों एंट्रीज में कॉमन आ रहा है और एक ही तरफ है, क्रेडिट साइड में है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब हमने मोहन, क्योंकि हमारा मोहन अकाउंट ये करेक्ट है, तो इसका मतलब मोहन हमारी रेक्टिफाइड एंट्रीज में भी डेबिट साइड में ही जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट एंट्री है। तो हमने क्या लिखा, मोहन अकाउंट डेबिट
टू, अब टू किसको करेंगे? देखिए ये इनकरेक्ट एंट्री है कृष्णा, कृष्णा इसका मतलब इनकरेक्ट है, डेबिट साइड में पोजीशन में है, इसकी पोजीशन हमको बदलनी पड़ेगी, इसकी पोजीशन हमको डेबिट से लेके क्रेडिट में आनी पड़ेगी। यहाँ पे मोहन क्योंकि करेक्ट एंट्री में था तो मोहन ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, मोहन अभी भी डेबिट में रहा, कृष्णा को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, इसको डेबिट से क्रेडिट में आना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णन अकाउंट 1700 रुपीज़। क्लियर है? बहुत आसान तरीका है आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना और उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री बनाना। यहाँ पे आपको नरेशंस ज़रूर लिखनी है, और ये नरेशंस नॉर्मल नरेशन नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल एंट्री नहीं है, आपने रेक्टिफाइड एंट्री है, आपने इसमें नरेशंस में लिखना है क्रेडिट सेल्स टू मोहन पोस्टेड टू कृष्णा अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ये ज़रूर लिखना है नाउ रेक्टिफाइड, क्योंकि ये पता लग जानी चाहिए है दूर से ही कि ये रेक्टिफाइड एंट्री है, इट्स नॉट ए ओरिजिनल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये कंप्लीट हो गई है। सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹20,000 टू राम। देखिए यहीं तक ही हमको पता लग गया क्या हुआ है, पहले चलो इसी को एंट्री बना लो, करेक्ट एंट्री, राम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सेल हुई है अगेन टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री बन गई 20,000 रुपीज़ से। अब देखते हैं गलती क्या हुई है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹2,000। अब देखिए अकाउंटेंट ने क्या किया, ओवरसाइट हो जाता है, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हैं अकाउंटेंट से, 20,000 का वाउचर था सेल्स वाउचर, उसने उसको 2,000 रुपये पढ़ लिया, तो उसने क्या गलती करी, नाम उसने ठीक लिखा, कहीं कोई गलती नहीं है, सिर्फ से अमाउंट में गलती कर दी, उसने इसको कर दिया 2,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट। अब दोनों करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट में आप कॉमन चीज़ देख लीजिए, सब कुछ ठीक है, राम अकाउंट डेबिट है, इधर भी राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, सिर्फ से फ़र्क क्या है, अमाउंट का फ़र्क है। हमने 20,000 रुपये लेने थे, डेटस था राम हमारा, हमने क्या एंट्री करी 2,000 रुपये करी, अरे भाई 20,000 लेने हैं, 2,000 की एंट्री करी है, अगर हम 18 की और डाल देते हैं तो ठीक हो जाएगा, हिसाब टैली हो जाएगा हमारा, तो हम एक ऐसी एंट्री एक 18,000 की डाल देंगे रेक्टिफाइड एंट्री। क्या एंट्री डालेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सेम 18,000 रुपीज़। क्लियर है? यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ से अमाउंट कम था तो हमने उसको बढ़ा दिया, एक एंट्री और डाल दी, तो अब इसका 18,000 और 2,000 20,000 हो गया, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन को देखते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश ₹2,000। यहीं पर ही एंट्री हमें पता लग गई कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। अब देखिए थर्ड है हमारा गुड्स परचेज हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट 2,000 रुपीज से। और क्या एंट्री का बना दी है उसके बदले में, अब आगे देखते हैं क्या एंट्री बनाई, पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹20,000। ये लीजिए हमने 2,000 रुपये का ही सामान खरीदा था सुरेश से, हमारे अकाउंटेंट ने उसको 20,000 रुपये बना दिया, हमें मतलब 18,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, तो अकाउंटेंट ने क्या बनाया, एंट्री तो उसने ठीक करी, परचेज अकाउंट डेबिट ही किया है, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 से कर दिया टू सुरेश अकाउंट। अब देखिए 2,000 रुपये ही हमको देने थे, सुरेश हमारा क्रेडिटर है, हमने उससे गुड्स परचेज किया है, तो हमें 2,000 देने थे, क्या एंट्री कर दी अकाउंटेंट ने, 20,000 रुपये की, अब 18,000 से रिवर्स करनी है एंट्री। अब एंट्री को अगर रिवर्स करोगे तो आप इसको सिंपली ऐसे ही नहीं लिख सकते कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था, यहाँ पे डेबिट को की साइड को क्रेडिट में ले जाना पड़ेगा, क्रेडिट की साइड को डेबिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि आप रिवर्स कर रहे हो, अब हमने पैसा उल्टा कम करना है, तो क्या करेंगे हम, सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट। अब इस तरह से एंट्री बनेगी, हमने सिंपली उसको रिवर्स कर दिया एंट्री को, कितने से 18,000 से। क्लियर है? क्योंकि यहां पे हमने रिवर्स करना है, कम करना है। यहां पहले वाले केस में हमने ऐड करना था तो हमने सिंपली उसको ऐड कर दिया, यहां पे हमने रिवर्स करना है तो हमें डेबिट को क्रेडिट में लेके जाना पड़ेगा, प्लस को माइनस के साइड ले जाना पड़ेगा, माइनस को प्लस के साइड ले जाना पड़ेगा। सुरेश को हमें क्रेडिट में था तो इसको डेबिट में लेके आना पड़ेगा, तो हमने सुरेश अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। 18,000 रुपीज़ से हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो गई। एक दफ़े स्टूडेंट्स आपने रेक्टिफाइड एंट्री ठीक बना दी, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, फुल मार्क्स। और इसमें नरेशन ज़रूर लिखिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश रुपीज़ 2,000, रॉन्गली एंटर्ड 20,000, नाउ रेक्टिफाइड, जिससे कि पता लग जाए कि ये रेक्टिफाइड एंट्री है, इट्स नॉट ए ओरिजिनल एंट्री। आप इन सब ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए, मैं बहुत सारी ट्रांजैक्शन करवाने वाला हूँ। एक दफ़े आपने ये समझ ली, कर ली, तो आपको बुक को भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं तब तक दूसरी ट्रांजेक्शन्स लेके आता हूँ। वेलकम बैक, और आगे चलते हैं और ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन फॉर रुपीज़ 30,000, हमें यहीं से क्लियर हो गया एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्या हुई है, गुड्स परचेज हुई है। तो हम क्या एंट्री करते हैं, इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, फोर नंबर ट्रांजेक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे लिया, रोहन से। हमने रोहन हमारा क्रेडिटर हो गया, हमने परचेजेस किया है 30,000 रुपीज़ का। ये थी करेक्ट एंट्री। अब हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, पोस्टेड टू निशांत अकाउंट, मतलब हमने खरीदा है रोहन से और अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, निशांत को हमारा क्रेडिटर बना दिया। उसने एक्चुअल में एंट्री क्या करी है, इसका मतलब परचेज अकाउंट को तो डेबिट किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू निशांत अकाउंट, ये कर दिया इसने 30,000 रुपीज से। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, आपने ये देखना है करेक्ट एंट्री में और इनकरेक्ट एंट्री में क्या चीज़ कॉमन है, कौन सा अकाउंट कॉमन जा रहा है हमारा। हम देखेंगे परचेज अकाउंट कॉमन है, यहाँ पे भी डेबिट साइड है, यहाँ पे भी डेबिट साइड है, इट मींस परचेज अकाउंट तो ठीक से डेबिट हुआ हुआ है, इसमें अमाउंट भी 30,000 डेबिट हुआ हुआ है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। मतलब रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट को जगह नहीं मिलेगी, जगह मिलेगी सिर्फ से रोहन को और निशान को। अब करेक्ट एंट्री में रोहन जो है क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब रेक्टिफाइड एंट्री में रोहन को हमको क्रेडिट साइड में ही रखना पड़ेगा, और यहाँ पे इनकरेक्ट एंट्री में निशान क्रेडिट साइड में है, इसको अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी, इसको अब क्रेडिट साइड से हमें डेबिट साइड में जाना पड़ेगा। तो करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी हमारी, निशान अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, रोहन तो अपनी जगह ही रहा क्रेडिट में 30,000 रुपीज से, और नरेशन आप लिखेंगे क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन रॉन्गली पोस्टेड टू निशान अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमारी एंट्री बन गई करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। फिफ्थ एंट्री की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स लेते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ ट्रांजेक्शन्स है फर्नीचर परचेज ऑन कैश रुपीज 20,000। यहीं से ही मैं पता लग गया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। फिफ्थ एंट्री फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज से टू कैश अकाउंट, ये एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी। अब देखते हैं हमारे अकाउंटेंट मियाँ ने क्या कर दिया है, पोस्टेड टू मशीन अकाउंट, मतलब फर्नीचर अकाउंट की जगह मशीन अकाउंट में डाल दिया। उसको लगा कि दोनों ही एसेट्स आइटम में किसी में भी डाल दो, लेकिन ऐसा नहीं है, मशीन अकाउंट अलग बनता है और फर्नीचर अकाउंट अलग बनता है। तो एंट्री क्या लगी, क्या एंट्री हुई है एक्चुअल में, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपीज़ से, अमाउंट तो करेक्ट डाला है लेकिन अकाउंट हेड जो है वो गलत डाल दिया। तो अब आप देखिए करेक्ट में और इनकरेक्ट में कौन सा अकाउंट कॉमन जा रहा है,
सेम साइड और कॉमन, आप देखेंगे कैश अकाउंट इधर भी कैरेट में है और इनकरेक्ट साइड में भी कैरेट में है, तो हम कैश अकाउंट को हम इग्नोर कर देंगे, कैश अकाउंट को रेक्टिफाइड एंट्री में जगह नहीं मिलेगी। किसको जगह मिलेगी? फर्नीचर अकाउंट को और मशीन अकाउंट को। फर्नीचर अकाउंट आप देख रहे हैं करेक्ट एंट्री की साइड में है, तो फर्नीचर अकाउंट अपनी जगह नहीं बदलेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड में ही रहेगा। फर्नीचर अकाउंट और मशीन अकाउंट इनकरेक्ट साइड पे है, मशीन अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो इसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, इसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, पोजीशन बदलनी पड़ेगी, डेबिट साइड से इसको आना पड़ेगा क्रेडिट साइड में टू मशीन अकाउंट। हो गया काम आपका, बस इतना सही है। टू मशीन अकाउंट अमाउंट ठीक था 20,000, हमने रेक्टिफाइड एंट्री कर दी, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया और मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और नरेशन ज़रूर लिखनी है, मत एग्जामिनर को मौका दो आधा नंबर काटने का। नरेशंस क्या लिखोगे? फर्नीचर परचेज्ड ₹20,000 रॉन्गली पोस्टेड टू मशीन अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन्स है, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹30,000 फ्रॉम रोहन। इसी से ही हम करेक्ट एंट्री बना सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, रोहन से लिया है ना, तो रोहन अकाउंट कितने रुपए का है? 30,000। ठीक है, ये तो करेक्ट एंट्री हो गई। अब देखते हैं हुआ क्या है। पोस्टेड एज ₹33,000, ये लीजिए 30,000 का फर्नीचर खरीदा है और 3,000 रुपये की एंट्री करी है, तो क्या एंट्री हुई है एक्चुअल में? फर्नीचर की तो अकाउंट तो सही डाला है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000 टू रोहन अकाउंट 3,000 रुपीज़, ये थी इनकरेक्ट एंट्री। अब आप देखिए यहाँ पे फर्नीचर फर्नीचर दोनों तरफ कॉमन है, डेबिट साइड में ही है, इधर रोहन अकाउंट और रोहन अकाउंट यहाँ पे भी कॉमन है, सिंपली फ़र्क अमाउंट में है, 30,000 की जगह 3,000 की है, तो हम क्या करेंगे इसमें 27,000 की एक और एंट्री डाल देते हैं, बात बराबर हो जाएगी। तो हम एक जो रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन 27,000। ठीक है, इस केस में 30,000 की जगह 3,000 ही अकाउंट में पोस्ट हुआ है, तो हमने 27,000 की एक और एंट्री डाल दी। हाँ, इन केस अगर 3,000 का हमने फर्नीचर खरीदा होता और 30 की एंट्री करनी होती तो हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती, फर्नीचर अकाउंट को हमें क्रेडिट में दिखाना पड़ता और रोहन को हमें डेबिट में दिखाना पड़ता। अगर हमारा 3,000 का परचेज होता फर्नीचर और एंट्री हो गई होती 30,000 की, इस तरह की एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपको एक दफ़े दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए किया है। अभी हम और ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मैं अभी इसको रब करता हूँ, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, पॉज करिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको अभी रब करता हूँ और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। अब जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन्स में आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर होता जाएगा, तो समझते हैं, कोई ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1,700 टू आशा, यहीं तक ही मैं पता लग गया कि क्या हुआ है, सेल हुई है, क्रेडिट सेल हुई है, आशा को हुई है, तो सेवंथ ट्रांजेक्शन की करेक्ट एंट्री है आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखते हैं इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई। वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल, मतलब हमारे डेटर्स थी आशा, हमने अपना डेटर्स बना लिया अंशुल को और ₹7,100। देखिए दो मिस्टेक्स हुई हैं इस ट्रांजेक्शन में, आशा की जगह अंशुल और 1700 की जगह 7,100। तो अब देखिए इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई होगी, आशा की जगह अंशुल आया, अंशुल अकाउंट डेबिट 7,100 टू सेल्स अकाउंट 7,100।
अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन है, कौन सा अकाउंट कॉमन आ रहा है, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी सेल्स अकाउंट कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1700 है, यहाँ पे 7100 है। अभी हमने पीछे की ट्रांजेक्शन्स में किया है, अगर हमें अमाउंट हमें वापस करना है, वापस लेना है, कम करना है, तो हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। मींस क्रेडिट साइड में है तो डेबिट में ले जाना पड़ेगा, डेबिट साइड में है तो क्रेडिट में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1700 की जगह 7100 की सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग हुई हुई है, तो हमें अमाउंट कम करना है, अमाउंट कम करना है तो हमें सेल्स को हमें डेबिट साइड में ले जाना पड़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। सेल्स अकाउंट डेबिट, इन दोनों का डिफरेंस कितने से हुआ है, ये 7100 में से 17000 माइनस करेंगे तो 5400 से हमें एंट्री एक रिवर्स साइड में डालनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड की जगह अब हमें डेबिट साइड में सेल्स को दिखाना पड़ेगा 54000। अब आ जाइए आशा और अंशुल की तरफ। आशा जो है करेक्ट साइड में है, करेक्ट एंट्री में है, और ये डेबिट साइड में है, तो इट मीन्स आशा एज इट इज़ रहेगी, अपना पोजिशन को चेंज नहीं करेगी। आशा को हमने फिर से डेबिट साइड में दिखा दिया, आशा अकाउंट डेबिट कितने से, 1700 से। अब अंशुल क्योंकि इनकरेक्ट एंट्री में है, इसको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी पूरे अमाउंट के साथ में, ये डेबिट साइड में है तो इसको हम क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे टू अंशुल अकाउंट 7100। अब देखिए आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आ गया, अब यही आप नरेशंस में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे चलें, नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखें, एट्थ एंट्री को देखते हैं। कैश सेल ऑफ रुपीज़ 1700 टू मीना, यहीं पर ही हम एंट्री बना सकते हैं, करेक्ट एंट्री। कैश सेल हुआ है तो हमें मीना का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ से कैश सेल हुआ है तो कैश आया है, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट 1700 से टू सेल्स अकाउंट। ये तो हमारी हो गई करेक्ट एंट्री। अब हम देखते हैं इनकरेक्ट में क्या गलती करी है। वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, मतलब हमने मीना को क्रेडिट कर दिया, मीना को हमने अपना क्रेडिटर बना दिया। क्या एंट्री हुई होगी एक्चुअल में, गलती क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट, बहुत बड़ी गलती है स्टूडेंट से वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू मीना, मीना को हमने क्रेडिट कर दिया 1700 रुपीज से। अब इसमें देखिए क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैश अकाउंट दोनों साइड में कॉमन जा रहा है, डेबिट साइड में है ना, तो रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर कैश अकाउंट को जगह नहीं मिलेगी, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब सेल्स अकाउंट हमारा करेक्ट एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट साइड में है, तो रेक्टिफाइड एंट्री में भी हमें सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट साइड में ही दिखाना पड़ेगा 1700 रुपये से। ठीक है, और मीना क्योंकि इनकरेक्ट एंट्री में क्रेडिट साइड में है, इसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, इसको अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी, मीना को हमें डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, मीना अकाउंट डेबिट कितने से, 1700 रुपीज़ से। तो रेक्टिफाइड हो गई है एंट्री, अब आप नरेशंस लिख देंगे इसकी। ठीक है, समझ में आ गया है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी स्टूडेंट्स, ये किस तरह से एंट्री बना दी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंटेंट ने क्या किया है, इसमें क्या सोच के किया है कि कैश भी दिखा रहा है और मीना को भी क्रेडिट कर रहा है। और आगे चलते हैं, नाइन्थ ट्रांजेक्शन को देखते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू प्रेम फॉर ₹1700, इतने से ही आप पहले तो करेक्ट एंट्री बनाओ। नाइन्थ, प्रेम अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि क्रेडिट में हुआ है, प्रेम अकाउंट डेबिट 1700 रुपीज़ से टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर क्योंकि हमारा कम हो गया, बिक गया, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट। ये तो है हमारी करेक्ट एंट्री। अब देखते हैं क्या गलती हुई। वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब फर्नीचर अकाउंट की जगह सेल्स अकाउंट में हमने उसको पोस्ट कर दिया है, इट मीन्स क्या सोच के किया है कि फर्नीचर जो है गुड्स है, सेल्स अकाउंट में तो हम तभी करते हैं ना जब हम अपने गुड्स को बेचते हैं, तो एंट्री हुई प्रेम अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री बाय मिस्टेक हो गई है 1700 रुपीज से। अब इसका रेक्टिफाइड एंट्री बना लेते हैं, क्या बनेगी। प्रेम अकाउंट आप देखिए दोनों तरफ सेम है, सेम साइड पे आ रहा है, तो प्रेम अकाउंट को तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसको तो हम कर देंगे इग्नोर। हमने क्या देखना है, फर्नीचर अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में है, करेक्ट एंट्री में आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्रेडिट में ही रहेगा और ये सेल्स अकाउंट को अपनी पोजिशन चेंज करके क्रेडिट से डेबिट में आना पड़ेगा। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ₹1700 से ख़त्म हमारी ट्रांजेक्शन्स। और इसके बाद आप नरेशंस लिख देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अब आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, हम अब जो कल एक नया वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम और हायर ट्रांजेक्शन्स को लेंगे, हायर लेवल की ट्रांजेक्शन्स को लेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन घबराइए नहीं, मैं हूँ, आपको सारी बातें बताऊँगा अच्छे से, आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में आपको सिखाऊँगा। तो तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।